गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम अयोध्या की सबसे फेमस जगह पे भाई दिखाएंगे आज ना, तो आप भी कहेंगे क्या चीज़ दिखा रहे हैं। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको वो चीज़ क्या है। ये अयोध्या की सबसे हटके मंदिर है भाई, रामेश्वरम, जो साउथ इंडियन मंदिर है उसके तर्ज पर पूरा बनाया गया है। जैसे कि आप देखेंगे मंदिर के ऊपर से ले के और मंदिर के नीचे तक आप देखेंगे तो प्रभु का सभी पूरा चित्रण है अच्छे से। ये मंदिर का पूरा कैंपस पूरा है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना है पूरा कैंपस ये। और बाकी हमें सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत लग रहा है ये लग रहा है इसका जो मेन एंट्री गेट है, ये आप देखेंगे सबसे यूनिक दिख रहा है ये। बाकी अगर आप देखें तो पास से तो जितने भी बृहस्पति देव महाराज और प्रभु विष्णु महाराज का सारी प्रतिमाएं, जो रूप है, जितने भी रूप है वो वह मंदिर पे दर्शाया गया है। कितनी खूबसूरत बनी हुई है सारी मंदिर, ये चल के दिखाते हैं आपको। आप इधर भी देखेंगे तो ये भी जो बना हुआ है ये भी उसी खूबसूरती के साथ बना हुआ है। आप घुमा के दिखा दें कितना खूबसूरत। ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ओपन हुई मंदिर का, लेकिन अभी थोड़ा ही टाइम हुआ और कितना खूबसूरत बना हुआ ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कृष्ण भगवान और बाकी मंदिर का यहाँ से जो व्यू है ना वो हटके ही है गाइस। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मंदिर कैसा लगा आपको अयोध्या में। पहले अभी आपने देखा नहीं होगा, मुझे लगता है आई थिंक किसी वीडियो में मैंने नहीं देखा ये मंदिर। अभी मैं इधर से जा रहा था RJV से तो फिर ये मंदिर पड़ी थी जो मैं देखा, वो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को वीज भी इस मंदिर की नॉलेज रखी जाए और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो कैसा लगा मंदिर ये ज़रूर बताइएगा। बाकी अभी और चल के आपको दिखाते हैं मंदिर का अच्छे से व्यू पास से। ये पूरी जो है मंदिर ना, अभी मैंने महाराज जी से पूछा कि ये पूरा, तो ये बता रहे थे कि ये केवल जैसे जो साउथ इंडियन आते हैं दर्शन वगैरह करने के लिए उनको रहने की व्यवस्था भी बनाई गई है यहाँ पे, वो रुक भी सकते हैं विदाउट थोड़ा बहुत चार्ज वगैरह जो भी लगेगा, अन्यथा वो जो भी वहाँ का रूल है वो अपने हिसाब से बता रहे थे उन लोगों के लिए। बाकी ये सारे श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है, कोई भी दर्शन करना चाहे अच्छे से दर्शन कर सकता है। लेकिन अभी टाइमिंग इसका बंद है, टाइमिंग ये 3 बजे ओपन हो जाएगा, तो आप अगर दर्शन करना चाहेंगे तो एनी टाइम चाहे जब आए आराम से दर्शन कर सकते हैं और अच्छे से अपना घूम भी सकते हैं। ये मंदिर के चारों तरफ आप देखेंगे तो एक ही डिज़ाइन एक ही आकार में पूरा बनाया गया है। आप देखेंगे इधर भी पूरे जितने भी प्रभु हैं उनको दर्शाया गया। मुझे लगता है ये जो प्रभु बनाए गए हैं अलग से मूर्ति स्थापित की गई है इन सब पे, क्योंकि आप देखेंगे कितना खूबसूरत बना हुआ है। फिलहाल मुझे तो ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और अगर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है तो आप लोग भी बताइए मंदिर कैसा लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और क्योंकि ये RJV से जस्ट सटा ही हुआ है राम जन्मभूमि से, इसके सामने का जो रोड है वो भी चौड़ा किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब भी भीड़ होगा बाहर से भी लोग आएंगे तो RJV में भी दर्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ भी दर्शन करेंगे, क्योंकि बगल में जस्ट पीछे सीता झील भी है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ भी अच्छे से दर्शन करेंगे। उससे थोड़ा सा दूर हनुमानगढ़ी है, हनुमानगढ़ी भी दर्शन कर सकते हैं। नियर अबाउट आसपास के 1 किलोमीटर रेंज में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी अयोध्या का, इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। तो फाइनली मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा, अगर आपको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अभी और चल के अगर आपको दिखाते, अगर अलाउ होगा तो ऊपर से भी व्यू लेके दिखाएंगे, अन्यथा अगर अलाउ नहीं होगा तो नीचे से ही पूरा मंदिर का व्यू दिखाते आपको। कि एक एक नक्काशी आप देखेंगे ना तो आपको सबसे अलग ही दिखेगा, एकदम आप देख रहे हैं एकदम कितनी बेहतरीन तरीके से नक्काशी की गई है। आप आके जो देखेंगे ना एकदम पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे मंदिर का नक्काशी किया गया, और साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है, हर एक घंटे में
साफ़ सफाई यहाँ करेंगे लोग हर घंटे में साफ़ सफाई। जो कि मंदिर में जब दर्शन करेंगे ना, तो प्रभु के सामने ही जो ये दिख रहा है आपको ना, ये इसका मेन मान्यता इसी का है ये, क्योंकि ये जो है ये गरुड़ स्तंभ है। ये अगर आप देखेंगे तो किसी भी मंदिर में अगर जाएंगे, इस टाइप का अगर मंदिर है तो आपको वहाँ पे गरुड़ स्तंभ ज़रूर दिखेगा, क्योंकि मेन यही होता है। कितना खूबसूरत है ना भाई, पास से ही चल के अगर आप देखेंगे तब ये देखेंगे कि गरुड़ स्तंभ किस लेवल तक है भाई। मंदिर का मेन मान्यता गरुड़ स्तंभ से ही है, कितनी खूबसूरत है ये। मेन गेट का चौखट है ना भाई, इसके बारे में एक यूनिक चीज़ ये है कि इसमें हमेशा, इसमें जो है सरसों का तेल हमेशा लगता है। इस चौखट में हमेशा आपको सरसों का तेल लगेगा, तभी ये काला है, बाकी इसकी जो चमक रहेगी तभी बराबर बनी रहेगी। डेली आप इसमें सरसों का तेल लगते हुए देखेंगे इस चौखट के अंदर। जो यहाँ के महाराज जी हैं वो बता रहे थे कि डेली आपको चौखट पर तेल लगा हुआ मिलेगा, और ये आप देखेंगे तो आज भी सरसों का तेल लगा हुआ है, और इस पर भी सरसों का तेल लगेगा यहाँ सब पे, और ये जो छोटे छोटे हैं इन सब पे, और जो छोटे छोटे चारों तरफ पिलर बने हुए मंदिर के, इन सब पे आपको सरसों का तेल लगा हुआ मिलेगा। इस पर भी सरसों का तेल लगा हुआ मिलेगा इस सब जो कोने कोने पे, क्योंकि शनि महाराज की भी मूर्ति है साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में भी, दोनों साइड में। ऊपर से भी मंदिर का आपका व्यू दिखा दें, ऊपर से आप देखेंगे तो एकदम पास में कितनी खूबसूरती के साथ दिख रहा है, और ये मंदिर का ऊपर से पूरा व्यू कितना खूबसूरत बना हुआ है ना, ये आप देखिए। यहाँ से चलते हैं और पीछे से आपको दिखाएंगे। फाइनली वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप भी आइए दर्शन करिए अच्छे से। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे अयोध्या की और बहुत सी सारी चीज़ें आपको देखने को मिले, डेवलपमेंट से लेकर जो सबसे यूनिक मंदिर है वो भी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।